यह दूध और ब्रेड बटर जो मैं अंश को दूंगी, शाम का टाइम है तो कुछ खा पी ले, बच्चों को शाम को भूख लगती है और मुझे जाना है बाजार। अभी 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि 5:35 और मुझे जाना है नीचे वाले बाज़ार में। एक दो चीज़ नहीं है किचन में, वो लेके आनी है क्योंकि 6 बजे यहाँ मार्केट बंद हो जाता है। बहादुरगढ़ से जो होंगे उनको पता होगा, तो चलिए चलते हैं मार्केट। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये ले आई हूँ मैं सामान, चाय पत्ती, और ये है पनीर, मस्टर्ड ऑयल, और चाय पत्ती के साथ ये बिस्किट फ्री मिला था, और ये है पनीर चिली मसाला मिक्स, ये ब्रेड। तो इतना सब कुछ जो है मैं अभी जस्ट लेके आई हूँ, न जाते देर न आते देर। नज़दीक मार्केट होने का यही फ़ायदा होता है। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में डाल रही हूँ मैं ये देसी घी। ये तेज पत्ता है, ये डाल रही हूँ। मुझे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चटनी बनानी है टमाटर की, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको कितनी चटनी बनानी है। और ये वाली चटनी देसी घी में बहुत टेस्टी बनती है, आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद जो आता है अच्छा, वो देसी घी में ही आता है। घी यहाँ गर्म हो गया है, मैं डाल दूँगी जीरा। अदरक, लहसुन, मिर्च, ये है, प्याज नहीं डलता इसमें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अदरक और मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे सौंफ, सौंफ जरूर डालिए, सौंफ का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है टमाटर की चटनी में। तो ये देखिए लहसुन हल्का हल्का जो है ब्राउन होने लगा है, और इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं, नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा है धनिया पाउडर, ये डाल देंगे। ज़्यादा मसाले इसमें पड़ते नहीं हैं, हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये भुन गया, 4 टमाटर हैं बड़े बड़े साइज़ के, तो इसे धो के मैंने काट दिया है। बस ये डाल देंगे इसमें। ये हम इसमें डाल दे रहे हैं नमक, थोड़ी सी खट्टी मीठी सी चटनी बनती है इसलिए इसमें डालेंगे गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और ढक देंगे, ये धीरे धीरे से अपने आप ही गलेगा और अपने आप ही पकेगा। तो ये मैंने इसको ढक दिया है, फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, क्योंकि इसे धीरे धीरे पकना है और सब कुछ अपने आप इसके अंदर गल जाएगा, गुड़ वगैरह। तो 5 मिनट हो चुका है, हल्के आंच पे छोड़ा था मैंने इसे, और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो छोड़ चुका है टमाटर। इसमें पानी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, पानी डाल देंगे तो ये चटनी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, जब गुड़ गलता है तो वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, और टमाटर में नमक डाल दिया है तो टमाटर जल्दी गल जाएगा। और ये देखिए, तो इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, चलाते रहेंगे अलट पलट के। इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। मैं को पूरा लास्ट तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे किचन के नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्लम्बर आ गया था बनाने के लिए नल। तो इस रेसिपी का लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से जाके देख लीजिए। के ब्लॉग को मैंने कल ख़त्म नहीं किया था, काम ज़्यादा था और ठंड बहुत लग रही थी, तो इसलिए आलस हो गया। कल के ब्लॉग कल ख़त्म नहीं किया, ये नेक्स्ट डे है। कपड़ा भी आप मेरा चेंज देख ही रहे हैं तो समझ गए होंगे नेक्स्ट डे है। और आज मुझे शेयर करना है आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कि अंश का मैंने ब्लड टेस्ट कराया है। क्यों कराया है भी मैं बताती हूँ आपको, कि क्या हो रहा है ना कि बच्चे घर में बंद हैं, लॉकडाउन
के कारण मोस्टली, तो अंश के अंदर मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिख रहा था और थका थका सा भी लगता था वो मुझे। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा मे बी कि विटामिन डी की कमी हो सकती है बच्चे को, तो एक दो टेस्ट उन्होंने करवाए थे, तो बाकी के सारे चीज़ें तो सही हैं, लेकिन हाँ बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है। होता क्या कि बच्चे बाहर खेलने जाते नहीं, स्कूल जाते नहीं, पूरा टाइम घर में रहते हैं। अंश का तो सुबह से क्लास शुरू हो जाता है 9 बजे से और 2:30-3 बजे तक वो ऑनलाइन बैक टू बैक क्लासेस होती है, बीच में 15-15 मिनट का गैप होता है, तो उसमें बच्चा उठ के कहाँ बाहर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बच्चे की चिड़चिड़ेपन की, थकावट की निशानी है कि आपके बच्चे को विटामिन डी कम है। अगर आपके भी किसी भी मेरे जो व्यूवर हैं उनके बच्चे को ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने बच्चे को जो डॉक्टर जो भी कहता है उसको टेस्ट कराइए। मैं एक बार रिपोर्ट दिखा देती हूँ आपको जिससे कि आपको पता चल जाए। तो ये देखिए, ये शायद थायराइड की थी, तो इसका तो ये तो नॉर्मल निकला है थायराइड के लिए, जो भी टेस्ट इसका हुआ है ये नॉर्मल है। और ये हाँ, ये विटामिन डी का है, आप ये देख सकते हैं विटामिन डी की प्रॉब्लम मतलब डिफिशियंसी है ये है। और एक विटामिन B12 का भी था, ये देखिए विटामिन B12 का भी टेस्ट है ये देखिए। तो बाकी सारी चीज़ें अंश की सही हैं, अभी डॉक्टर को मैंने दिखाया नहीं है, तो डॉक्टर ने बताया कि अंश का विटामिन डी भी कम है और विटामिन B12 भी कम है। तो ये डॉक्टर ने भेजा है, मैंने व्हाट्सएप से उनकी रिपोर्ट भेज दी थी, तो और थायराइड के अंश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और काफ़ी देर तक घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की क्लासेस जो होती है ना वो कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि मैं अब अपने आसपास देख रही हूँ छोटे बच्चे पार्क में खेलने भी जाते हैं, निकलते भी हैं, धूप में बैठते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या धूप में खेलते हैं, तो धूप लगती है उनकी बॉडी को। लेकिन बड़े बच्चे जो हैं जैसे अंश है या और उसके जैसे और भी बच्चे होंगे, तो वो कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं, 2:30-3 बजे तक उसकी क्लास होती है, उसके बाद 1-2 घंटा अपना, 1-2 घंटा क्या, 1 ही घंटा खाया पिया रेस्ट किया, उसके बाद ट्यूशन का टाइम, ट्यूशन से आता है 5 बजे, 5 बजे के बाद फिर धूप कहाँ मिलेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर संडे है और बच्चे क्लासेस ऑफ हैं तो बच्चों को लेकर धूप में ज़रूर बैठिए। वैसे धूप ऐसे आजकल हो नहीं रही है, सर्दी का टाइम है, धूप बहुत कम होती है, लेकिन जितना भी है कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को लेकर धूप में बैठिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आप मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।